बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो आज आप लोगों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी का रिव्यू लेके आए हैं, टोयोटा करोला 1997 मॉडल, जो कि लंदन की इंपोर्ट है। बात की जाए गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की, तो आप लोगों को गाड़ी रजिस्टर मिल जाती है इस्लामाबाद की। 2013 के अंदर गाड़ी क्लियर की गई है। इसके अंदर अगर इंटीरियर एक्सटीरियर की बात की जाए तो इसके अंदर आप लोगों को सनरूफ मिल जाता है, 1500cc ऑटोमेटिक आप लोगों को इसके अंदर इंजन मिल जाता है, स्टंट बार मिलता है, ABS आप लोगों को इसके अंदर ब्रेक मिलती हैं, हेडलाइट वाशर आप लोगों को इसके अंदर मिल जाते हैं, फ्रंट के ऊपर आप लोगों को फोग लाइट्स मिलती हैं, रिट्रेक्टेबल साइड मिरर मिल जाते हैं, 15 इंच के आपको विजन के आप लोगों को रिम मिलते हैं। इसके अलावा बात की जाए अगर इसकी सेफ्टी के हवाले से, तो इसके अंदर आप लोगों को ड्यूअल आप लोगों को इसके अंदर जी एयर बैग मिल जाते हैं, पावर विंडोज, लेदर सीट एंड वुडन प्लास्टिक इंटीरियर मिलता है। बात करें अगर इसकी प्राइस की, तो इसकी 18,50,000 इसकी डिमांड की गई है। और लोकेशन की बात की जाए तो राशिद कार सेंटर नियर सुजुकी शोरूम, रिंग रोड पेशावर। आप लोगों को मैं नीचे लोकेशन मेंशन कर दूंगा, आप वहां पे जाके विजिट भी कर सकते हैं और गाड़ी आप देख भी सकते हैं, और उनके पेपर वगैरह इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर मिलेंगे और उनके साथ आप डील वगैरह कर सकते हैं। नीचे मैं पूरी लोकेशन मेंशन कर दूंगा, दोबारा बता देता हूँ, रशीद कार सेंटर नियर सुजुकी शोरूम, रिंग रोड पेशावर। नीचे डिमांड 18,50,000 इसकी डिमांड की गई है। तो अभी इंशाल्लाह इस गाड़ी का डिटेल वाइज रिव्यू करते हैं, देखते हैं इसका इंटीरियर एंड एक्सटीरियर गाड़ी का किस तरह का है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए जी इसकी फ्रंट इट्स मीन बॉनेट की, तो बॉनेट इसका आप लोगों को बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलता है, टोटली जेन्युइन मिलती है। साइड में आप लोगों को इसकी कर्व जो बने हुए मिलते हैं, जो कि फ्रंट के कोने से लेके मिडम बॉनेट के मिडम तक आप लोगों को इसके कर्व्स बने हुए मिल जाते हैं। ऊपर इसके आप लोग डबल वाशर्स मिल जाते हैं। फ्रंट की अगर ग्रिल की बात की जाए तो इसके अंदर आप लोगों को क्रोम की ग्रिल मिलती है, मिडम में इसकी जो लाइंस हैं वो हार्ड प्लास्टिक ब्लैक कलर की हैं, और C3 स्टार का आप लोगों को लोगो मिल जाता है। बात करें अगर इसकी फ्रंट हेडलाइट्स की, इसके अंदर आप लोगों को क्रिस्टल की आप लोगों की इसकी हेडलाइट्स मिलती हैं। साइड में इसके जो साइड इंडिकेटर्स हैं वो आप लोगों को क्रिस्टल के येलो कलर के आप ये ऑरेंज किस्म के आप लोगों को मिल जाते हैं। हेडलाइट वाशर दिए जाते हैं इसके अंदर, जो कि इलेक्ट्रिक हैं, जो कि आपको बम्पर के दोनों तरफ आप लोगों को मिल जाते हैं। इसके फ्रंट बम्पर की बात की जाए तो इसके अंदर आप OEM का आप लोगों को इसका फ्रंट बम्पर मिलता है। नीचे जी इसकी फॉग लाइट्स आप लोगों को येलो कलर की मिलती है, और इनके जो साइड कवर्स वालों को ब्लैक कलर के हार्ड प्लास्टिक की दिए जाते हैं। फ्रंट के ऊपर आप लोगों को डबल ग्रिल, नीचे आप लोगों को इसकी फ्रंट किट मिल जाती है, बॉडी किट जिसे हम अपनी जुबान में कहते हैं, जो कि आफ्टर मार्केट लगवाई गई है, और फ्रंट के ऊपर नंबर प्लेट की ऑप्शन मौजूद है। बात करें लेफ्ट साइड की फिंडर की, तो फिंडर बिल्कुल नीट एंड क्लीन, इसके ऊपर आप लोगों को ना ही कोई लोगो ना ही कोई इंडिकेटर दिया जाता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। फ्रंट स्क्रीन इसकी बिल्कुल साफ है, विंडोज स्क्रीन की साइड में एल्युमिनियम की ट्रिमिंग है, साइड मिरर आप लोगों को इलेक्ट्रिक मिल जाते हैं, जो कि आप रिट्रेक्टेबल मिरर्स हैं, आप अंदर से इन्हें एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। और ये आगे कुछ इसकी प्रोफाइल। हेडलाइट्स की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को ठीक तरीके से हेडलाइट नज़र आ रही है, कुछ इस तरह की आप लोगों को हेडलाइट्स मिलती है। और अगर दूसरी गाड़ी की प्रोफाइल राइट साइड से बात की जाए, तो राइट साइड का फिंडर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई स्क्रैचेस वगैरह आप लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी इसकी आ गई। फ्रंट एंड राइट एंड लेफ्ट दोनों फिंडर की आप लोगों को प्रोफाइल नज़र आ गई। बात करें अगर इसके टायर्स की, इसके अंदर आप लोगों को मिल जाते हैं जी, यहाँ पर इसका जो लोगो है, जहाँ पर जिस कंपनी मतलब ब्रांड का आप लोगों को अलॉयज मिलते हैं, यहाँ पर आप लोगों को इनका लोगोज भी मेंशन हो गए, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेंशन कर दूंगा। और ये टायर की प्रोफाइल है, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ अगर नज़र आ रही है टायर प्रोफाइल, नहीं तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को मैं मेंशन कर दूंगा टायर की प्रोफाइल। गाड़ी स्टॉक हालत में मौजूद है। और ये आगे इसकी कुछ लेफ्ट साइड की प्रोफाइल, जो कि आप लोगों को दूर से इस तरह की देखने को मिलती है। विंडोज़ की बात की जाए तो विंडोज़ के हैंडल्स आप लोगों को मिल जाते हैं जी क्रोम के, और इनका ओरिजिनल आप लोगों को इसके अंदर क्रोम की एल्युमिनियम की दिए जाते हैं, और विंडोज़ के जो पैनल्स हैं वो ब्लैक दिए जाते हैं ग्लासेस नमा, और विंडोज़ की साइड में जो ट्रिमिंग है वो आप लोगों को एल्युमिनियम की दी जाती है। नीचे विंडोज़ के मिडल में रबड़ी नामा गोल है, जो कि जस्ट गाड़ी बॉडी कलर की तरह आप लोगों को सेम मिलता है, दरवाजे को प्रोटेक्ट करने के लिए भी रेडी होता है। नीचे जी फनबेड के ऊपर आप लोगों को बॉडी किट्स मिलती हैं, जो कि आफ्टर मार्केट लगवाई गई हैं। बैक साइड की विंडोज़ आ गई, बैक साइड के फिंडर आ गया। अगर बात की जाए फ्यूल टैंक की, तो इसके अंदर आप लोगों को 60 लीटर का फ्यूल टैंक स्टोरेज आप लोगों को मिल जाता है, जो कि आप लोगों को लेफ्ट साइड की जाने मिलता है। और अगर बात करें जी गाड़ी की रूफ़ की, तो गाड़ी का रूफ़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन, इसके अंदर आप लोगों को सन रूफ मिल जाता है। बैक साइड की स्क्रीन आ गई, बैक साइड की स्क्रीन नीट एंड क्लीन है। इसके मिडल में आप लोगों को फोग लाइट्स मिल, इसके अंदर बैक लाइट आप लोगों को मिल जाती है, एल्युमिनियम की ट्रिमिंग है, और कुछ इस तरह की आप लोगों को ऊपर की जानब से गाड़ी देखने को मिलेगी।
गाड़ी की अगर बैक साइड की बात की जाए जी, तो पहले इसकी टेल लाइट की जानब चलते हैं। इसके अंदर आप लोगों को ग्लासेस नुमा इसकी टेल लाइट्स हैं, इंडिकेटर्स का आपको काफ़ी बड़ा सा मिल जाता है, और जो ब्रेक लाइट है वो आपको पूरी बॉडी के अंदर, मतलब जो इसकी टेल लाइट है चारों जानब आपको ब्रेक लाइट मिलती है, और मिडम में आप लोगों को इंडिकेटर, और ट्रंक की मिडम में जो लाइट है उसके अंदर आप लोगों को रिवर्स लाइट दी जाती है। TRD का लोगो, यहाँ पर क्रोला की आप लोगों को बैजिंग मिल जाती है, मिडम में हार्ड प्लास्टिक नंबर का ऑप्शन, और यह आ गया इसका कुछ ट्रंक। ट्रंक डिज़ाइन की बात की जाए तो ये आप लोगों को बिल्कुल नीट एंड क्लीन ट्रंक का डिज़ाइन मिलता है। इसके अंदर स्टोरेज की बात की जाए तो वो आगे मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, लेकिन पहले यहाँ पर बात करें नीचे इसकी बम्पर की, तो बम्पर स्ट्रैक आप लोगों को मिलता है, और जो इसके ऊपर बॉडी किट है वो यहाँ पर आपको हाफ दोनों तरफ मिल जाती है। बात करें अगर इसके इंटीरियर की, तो ये आ गया कुछ इसका इंटीरियर। यहाँ पर आप लोगों को लेदर की स्टिचिंग, ओरिजिनल लेदर की आप लोगों को स्टिचिंग मिलती है। ड्यूअल आप लोगों को इसके अंदर एयर बैग्स मिलते हैं, स्टेयरिंग की जानेब भी और पैसेंजर की जानेब भी। मिडम में स्पीडोमीटर की बात करें तो यहाँ पर जी इसका RPM मीटर, स्पीडोमीटर ऑटोमेटिक आपको गाड़ी RPM, इसके अलावा फ्यूल गेज, टेम्परेचर गेज आप लोगों को मिल जाती है। स्पीडोमीटर आपको ब्लैक कलर का दिया जाता है, और जो पूरा डैशबोर्ड आप लोगों को हल्का ग्रे का नीचे क्रीमी कलर का मिक्सिंग दी जाती है। मिडम में जी MP3 सिस्टम है। मिडम में नीचे जो है ना इसका आ गया AC के आप लोगों को ड्यूअल AC के आपको विंड्स मिलते हैं, डबल इंडिकेटर का बटन नीचे आप लोगों को ट्रेश वाले आप लोगों को इसके मिल जाते हैं जी AC के बटन्स, और फ़ैन के आप आपको हैंडल नुमा से जिस तरह ज़्यादातर गाड़ियों में आ जाता पुराने ज़माने के जो फ़ैन उस तरह का डिज़ाइन इसके अंदर दिया गया। नीचे कुछ लक्जरी नुमा फीलिंग भी दी गई है। ऑटोमेटिक आप लोगों को ट्रांसमिशन मिल जाता है, आर्मरेस्ट मौजूद है, और यहाँ पर साइड मिरर कंट्रोल करने के बटन्स हैं। और यहाँ पर बात करें तो नीचे डैशबोर्ड के अंदर नीचे आपको बॉक्स मिलता है, ऊपर आपको इसका एयरबैग का ऑप्शन भी मौजूद है, और कुछ इस तरह के डिज़ाइन है। बात करें विंडोज़ की क्वालिटी की, तो पूरा आपको एक हार्ड प्लास्टिक के अंदर दिया जाता है। नीचे स्पीकर्स हैं, कुछ स्पेस है, ग्लास होल्डर है, इसके अलावा पावर बटन्स आप लोगों को मिल जाते हैं, और उसके जो साइड कवर है वो आप लोगों को हल्का मेरून कलर का दिया जाता है, और जो उसके हैंडल्स है वो आप लोगों को क्रोम का दिया जाता है। बात करें अगर इसकी सीट्स की, तो आप लोगों को पूरी की पूरी ओरिजिनल लेदर के अंदर आप लोगों को सीट्स मिलती हैं, और उनका जो डिज़ाइन है मुझे काफ़ी ये कलर पसंद आया, और गाड़ी के अंदर रूम के साथ काफ़ी ज़्यादा मैचिंग कर रहा है। और ये इसकी ओरिजिनल सीट है, आपको डबल इसके यहाँ पर हाफ सीट भी आप फोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा जी आप लोगों को पीछे भी दोनों तरफ आप लोगों को सीट बेल्ट मौजूद मिल जाते हैं, हेडरेस्ट आ गया, नीचे लेदर के आप लोगों को पाउच भी मिल जाता है, और कुछ इस तरह का अंदर का आपको रूम डिज़ाइन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको नीचे एग्जॉस्ट डबल दिया जाता है, और ये आ गई गाड़ी की कुछ प्रोफाइल, यहाँ पर आप देख लें बाएं से, और ये आ गई कुछ इसकी फ्रंट की प्रोफाइल। इंजन की बात करें तो इंजन इसके अंदर जी आप लोगों को 1500 cc 5A इंजन मिलता है। ओरिजिनल कलर के अंदर आप लोगों को बॉडी कलर मिलता है। यहाँ पर जी यहाँ पर आप चेसिस देख रहे होंगे, तो जो बाहर की गाड़ी लंदन की इंपोर्ट आप समझ लें होती हैं, गाड़ियाँ जेपनीस इंपोर्ट हों या लंदन की हों, तो वो गाड़ी की लेबार्ट्री लाजमी हुई होती है। इनमें कोई नुक्स नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर जो आप लोग कह रहे होंगे मार्केट के अंदर लेबार्ट्री गाड़ी, तो उनका रेट आप लोग कम लगाते हैं। एक तो होता है यार जो रोड चेकिंग हो, या यहाँ पर पाकिस्तान की गाड़ी हो और कोई लेबार्ट्री हो तो उसको ज़रा सा मशकूक होता है, लेकिन लेबार्ट्री गाड़ी ठीक होती है, क्योंकि लेबार्ट्री हो गई तो बंदा का माइंड सेट हो जाता है कि यार गाड़ी पीछे से सारी क्लियर है, नए तरीके से पता चल गया है। लेकिन यहाँ पर बस मार्केट वैल्यू, लेकिन जो इस तरह की इंपोर्ट की गाड़ियाँ हैं ये लाजमी होती है। आप कोई भी जेपनीज गाड़ी देखेंगे इंपोर्ट वाली, उसकी लेबार्ट्री लाजमी होगी। तो यहाँ पर ही आ गया चेसिस इसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। फ्रंट इसका देख लें जी, और फ्रेम, और यहाँ पर इसका आपको स्टड बार भी मिल जाए। एक सेकेंड, यहाँ पर आ गया इसका एयर क्लीनर, और बैटरी आपको नहीं मिल जाती, AC हीटर आप चीज़ आप लोगों को इसके अंदर परफेक्टली मिलती है। बैक साइड की ट्रंक की बात करें तो ट्रंक इसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ओरिजिनल स्टेपनी आप लोगों को मिलती है। और ये आ गया कुछ इसका फ्रंट कुप्पा लेफ्ट साइड का, ये आ गया राइट साइड का बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये आ गया इसका ट्रंक, और ट्रंक का अंदर से आप देख लें बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई स्क्रैचेस नहीं है, कोई सील डैमेज आप लोगों नहीं मिलेगी। और ये आ गया ट्रंक की स्पेस। अगर बात कीजिए ट्रंक की स्पेस के हवाले से, तो इसके अंदर जी आप लोगों के 3 लगेज आप नॉर्मली रख सकते हैं इजीली, और इनके जो साइड कवर्स हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे आप लोगों को मिल जाते हैं। फ्रंट की पट्टी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ओरिजिनल कार्पेट कलर आप लोगों को इसके अंदर मिल जाता है। बात कीजिए आप ट्रंक की साइड की, तो यहाँ पर देख लें साइड बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं। यहाँ पर ही आ गई लेफ्ट साइड की। तो ये था आज का रिव्यू, उम्मीद है आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगेगा। तो ये था
ये था रिव्यू। तो अगर प्राइस के वाले से बात की जाए तो इसकी 18,50,000 इसकी डिमांड की गई है। तो लोकेशन नीचे मैं मेंशन कर दूंगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगेगा। मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसके अलावा डिफरेंट गाड़ियों का रिव्यू चाहते हैं, जिस तरह यहाँ पर आपको GLI गाड़ी नज़र आ रही होगी 2015, इसके अलावा V6 का, टोयोटा का लैंड क्रूजर, इसके अलावा किया गाड़ी का, तो डिफरेंट गाड़ियाँ हैं। और इंशाल्लाह मित्सुबिशी गाड़ी का भी इंशाल्लाह जल्दी रिव्यू आ जाएगा। तो मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपना बाइक को दीजिए सलाम, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।